हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब सही होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप अपने अगर फोन को रिसेट करना चाहते हैं, अपडेट करना चाहते हैं फोन, ताकि आपका फोन क्या हो सके, अच्छी तरह से काम कर सके और हर एप्लीकेशन अच्छी तरह से वर्क कर सके। आपका फोन जो है हैंग मार रहा है, बहुत तेज चल नहीं रहा, रुक जा रहा है, अचानक से बंद हो जा रहा है, अचानक से स्विच ऑफ हो जा रहा है। तो आज की इस वीडियो में आपका भाई आपको बताएगा कि आपको अपने जो फोन को है रिसेट कैसे करना है, और उससे आपको पूरी डिटेल आज की इस वीडियो में आपका भाई देने वाला है रिसेट करने का प्रोसेस। तो दोस्तों, वीडियो को चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को जरूर दबाएं, क्योंकि आपका भाई आपके लिए काफी सारी आपको हेल्प करता है, आपकी मदद करता है, इसलिए इतना तो बनता है ताकि आपका भाई का भी कुछ हो सके, कुछ यानी कि उसको मिल सके जो आपके लिए इतना मेहनत हम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं यहाँ पर और बना रहे हैं वीडियो आपके लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, आपको बता देते हैं ताकि आपका फ़ोन अच्छी तरह से वर्क करने लगे और आपके ऐप जो हैं वो अच्छी तरह से वर्क करने लगे। तो आपको सिंपली अपने फ़ोन की सेटिंग में जाना है। जैसे आप सेटिंग में चले जाएंगे तो कुछ ऐसा पेज ओपन होके आएगा आपके स्क्रीन पर। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको देख लेना है, हर फोन में अलग अलग सेटिंग रहती है। मेरे में तो अबाउट फोन में दिया है, वो भी सबसे नीचे ये यहाँ पर दिया है, तो यहाँ पर दिया है। इसके लिए अगर आपको क्या करना होगा, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि जैसे आपको तकलीफ़ मिल रही है इसको सर्च करने में, देखने में, ढूंढने में, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना, घबराना नहीं। यहाँ पर साइड में सर्च का ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको क्या करना है, सर्च वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पर आपको क्या डाल देना है, रिसेट डाल देना है, रिसेट डाल देंगे यहाँ पर। जैसे मैंने ये डाल दिया, यहाँ पर रिसेट डाल दिया, सॉरी। जैसे आप यहाँ पर रिसेट पर आ जाएंगे तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ये रिसेट का ऑप्शन दिया ही है। तो आपको क्या करना, पहले हम रिसेट में ऐसे चले जाएंगे। रिसेट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक बार फिर से, यहाँ पर आपको रिसेट का ऑप्शन ये दिख रहा है, नीचे आ जाएंगे स्वाइप करके। जैसे आप नीचे आ जाएंगे तो यहाँ पर देखिए ये रिसेट का ऑप्शन दिया है। रिसेट में जाने के बाद यहाँ पर आपको काफ़ी सारे ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर इसका मतलब पूरा डिटेल से। जैसे इसमें दिया है तो एक बार ये बैकअप के लिए दिया है, अगर आप अपने फ़ोन को कुछ डाटा है जो, क्योंकि इसमें नंबर वगैरह भी जा सकते हैं, फ़ोटो वगैरह भी जाते हैं, तो आप अपने फ़ोन का बैकअप डाटा का है बैक कर सकते हैं, बैकअप ले सकते हैं। कैसे कि यहाँ से आप करके अपने फ़ोन में आपका क्या होगा, फिर ये जो फ़ोटो है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह है, वीडियो वगैरह, ये आपके यहाँ से क्या होंगे, डिलीट नहीं होगी, टेम्परेरी बैकअप या एक्सटर्नल स्टोरेज बैकअप जो आपको लेना चाहते हैं यहाँ से ले सकते हैं। SD कार्ड में ले सकते हैं, नीचे वाले में ये जो दिया है, और ये USB में लिया है, स्टोरेज डिवाइस योर स्टोर बैकअप डाटा यूजिंग स्मार्ट स्विच, तो यहाँ पर ले सकते हैं। ऊपर वाले में दिया है टेम्परेरी कॉल बैकअप में बैकअप अनलिमिटेड डाटा फॉर सैमसंग कॉल फॉर योर 30 डेज फॉर रिस्टोर डाटा यू बैकअप आप, यानी कि 30 दिन का ये आपका डाटा देगा, 30 दिन का जो भी होगा अपने फ़ोन में आपका देगा। आप चलिए दोस्तों आते हैं यहाँ पर, पहला दिया है देख पा रहे होंगे यहाँ पर रिसेट आर सेटिंग, यानी कि जो आपने फ़ोन में सेटिंग करके रखा है, कुछ इधर उधर की सेटिंग नहीं है, अगर गलत सेटिंग भी होगी तो यहाँ से क्या होगी, आपकी आल सेटिंग में जाके यहाँ से रिसेट सेटिंग में जाएंगे। इसके बाद जैसे आप चले गए तो यहाँ पर स्क्रीन ब्लैक दिख रही होगी, यहाँ से आप अपना स्क्रीन का पासवर्ड डाल देंगे तो यहाँ से ये आपकी सेटिंग क्या होगी, रिसेट हो जाएगी। ये आपको पहला हो गया। इसके बाद यहाँ पर आते हैं मोबाइल नेटवर्क। मोबाइल नेटवर्क में जो जो आपके आते हैं सिम से, देख पा रहे होंगे आप सिम से रिलेटेड जो भी आएंगे तो यहाँ से वो सभी आपके क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे सब कुछ, यानी कि नेटवर्क की जो डाटा वायरस वगैरह होंगे, नंबर वगैरह ऐसे करके ये सब रहते हैं। तो ये देख पा रहे हैं यहाँ से दिया है, तो आपको बैकअप ले लेना है तभी करना है रिसेट, और ये ज़रूर आपको कर लेना है। इसके बाद दोस्तों एक बात आपको वो बता दूं, रिसेट करने से पहले आपको क्या करना है, पहले तो आपको अपने फ़ोन का डाटा ऑन कर लेना है, बैटरी चार्ज होनी चाहिए ताकि आपको रिसेट जब फ़ोन हो तो उसमें कुछ प्रॉब्लम ना आए, ताकि आपको आपका फ़ोन अच्छी तरह से रिसेट हो पाए कि बैटरी ख़त्म हो जाए या डाटा ख़त्म हो जाए, इसलिए ज़रूर ये चीज़ ऑन कर देना, क्योंकि स्विच ऑफ में फिर आपको टच भी नहीं करना, उसको चुपचाप रिसेट करके रख देना है कुछ देर के लिए। तो चलिए इसके बाद यहाँ पर आते हैं तीसरे नंबर पर, थर्ड नंबर पर। तो यहाँ पर दिया है रिसेट वाईफाई एंड ब्लूटूथ सेटिंग। तो यहाँ पर आपको जैसे हम टच किया, जैसे मैंने इसमें टच किया
तो आपको यहाँ पर जिसमें बता दूँ रिसेट यानी कि वाईफाई से रिलेटेड और ब्लूटूथ से जो भी डाटा रहता है या वायरस वगैरह, यानी कि ये पूरा अच्छी तरह से क्या होगा, वर्क करने लगेगा और यहाँ से क्या होगी, ये डिलीट हो जाएगी। देन जैसे दिस विल रिसेट ऑल योर वाईफाई ब्लूटूथ सेटिंग, जिस जो सेटिंग भी रहेंगी वाईफाई की सेटिंग रहेंगी, और जैसे नंबर वगैरह या पासवर्ड वगैरह या सेटिंग ब्लूटूथ की जो जो भी रहेंगी वो यहाँ से रिसेट हो जाएगी। आपको बताया रिसेट उसी तरह ही करना हर चीज़ में, नीचे जो रिसेट सेटिंग का दिया है ना, तो आपको इसमें जाके अपने स्क्रीन का पासवर्ड उसी तरह डाल देना है और रिसेट कर देना है। इसके बाद दोस्तों सबसे नीचे आता है रिसेट एक्सेबिलिटी सेटिंग। तो आपको यहाँ से आपको एक्सेबिलिटी सेटिंग में जैसे आप चले जाएंगे, तो इसको मैं आपको बता दूँ यहाँ पर दी है यू एक्सेबिलिटी सेटिंग वी आल रिसेट देयर डिफ़ॉल्ट सेटिंग। जो यहाँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग रहती है जैसे रिसेट कीबोर्ड एंड फॉन्ट, जैसे इंग्लिश का रखते हैं एक्सेबिलिटी की सेटिंग हो गई, डाउनलोड ऐप हो गए, या चेंजेज योर प्रोफेशनल डाटा हो गया, इस तरह का यहाँ से ये रिसेट हो जाएगा, आपका पूरा क्लियर हो जाएगा। जैसे आप देख पा रहे हैं जैसे आपने कोई भी इंग्लिश का अक्षर है या फिर डाउनलोड है ऐप एप्लीकेशन है, वो यहाँ से अच्छी तरह से रिसेट हो जाएगा, उनका डाटा पूरा ख़त्म हो जाएगा और वो यहाँ से क्या अच्छा वर्क करने लगेगी। इसी तरह आपको नीचे इसी में भी वही करना है, सेम प्रोसेस, नीचे रिसेट में जाके पासवर्ड स्क्रीन का पासवर्ड डाल देना है और कर देना है। इसके बाद जो यानी कि जो भी आपको जो जो करना चाहते हो वही कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आता है फैक्ट्री डाटा रिसेट। तो इसमें क्या क्या दिया है इसको मैं आपको बता दूँ। इसमें जैसे मैंने टच किया, तो चलिए जैसे मैंने टच किया तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये जो मेन चीज़ है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आपका पूरा फ़ोन को स्वैप करके अच्छी तरह से वर्क करने में मदद करेगा। जैसे यहाँ पर All data will be used from your phone, include your Google account, system and our data, ऐप डाटा हो गया, सेटिंग हो गया, डाउनलोड ऐप हो गया, म्यूजिक हो गई, पिक्चर हो गई, ऑल अदर यूजर डाटा हो गया, सर्विस प्रोफेसर ऐप कंटेंट हो गया, द डिफिक्शन की योर फाइल्स ऑन SD कार्ड, यू विल नॉट बी अवेलेबल टू यूज इक्विट फाइल ऑन द SD कार्ड आफ्टर यू रिसेट योर डिवाइस टू फैक्ट्री डिफ्लोट। तो यहाँ पर आपकी जितने फेसबुक, इंस्टाग्राम, कैलकुलेटर, जो भी एप्लीकेशन है देख पा रहे होंगे, थ्रू कॉलर, फ़ोन पे, फोटो, वीडियो, म्यूजिक, जीमेल वगैरह, सब यहाँ से आपकी क्या हो जाएंगी, साफ़ हो जाएंगी। यहाँ रिसेट में जाएंगे, इसी तरह स्क्रीन का पासवर्ड डाल देंगे और यहाँ से ये सब कुछ आपका रिसेट हो जाएगा, आपका पूरा फ़ोन एकदम नया हो जाएगा, नया वर्जन आ जाएगा, एकदम नया की तरह लगने लगेगा। ये नीचे जो सबसे नीचे दिया है ये सब यानी कि सब कुछ इसमें शामिल है, आप डायरेक्ट इसको यहाँ से क्या कर सकते हैं, रिसेट कर सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मिलते हैं इसी तरह के अगले वीडियो में। दोस्तों आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, आपको पता ही है। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।